आखिर कैसे आया बॉलीवुड के कैलेंडर को हार्ट अटैक। दिल का दौरा था, निधन की वजह या थी कुछ और बात। सतीश कौशिक मौत मामले की दिल्ली पुलिस करेंगी जांच। डॉक्टर्स के शक के चलते किया जाएगा पोस्टमार्टम। बॉलीवुड के कमाल के एक्टर और लाजवाब डायरेक्टर सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 66 साल की उम्र में सतीश का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। आज सुबह ही उनकी मौत की खबर ने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। इसी बीच अब उनकी मौत मामले में दिल्ली पुलिस की जांच की एंट्री भी हो गई है। डॉक्टर्स को ऐसा शक है कि सतीश का निधन दिल का दौरा पड़ने की वजह से नहीं हुआ है, यही वजह है कि उनका पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। दरअसल शुरुआत में आई जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से सतीश इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस समय सतीश के पार्थिव शरीर को अब मुंबई लाने की तैयारी की जा रही है। एयर एम्बुलेंस से उनके शव को मुंबई लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। यूं तो सतीश की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी उनका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं, जिसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में सतीश का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। हालांकि फोर्टिस के डॉक्टरों को इसमें शक है और यही वजह है कि उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम होगा। फोर्टिस के डॉक्टरों ने ही दिल्ली पुलिस को सतीश कौशिक की मौत के बारे में जानकारी दी थी। सतीश को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कहीं से गिरे हों। ऐसे में शव का पोस्टमार्टम जरूरी हो जाता है। अगर हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हो जाती तो पोस्टमार्टम नहीं होता। डॉक्टर्स की माने तो ऐसे में सतीश कौशिक के निधन को अब मेडिको लीगल केस की तरह देखा जा रहा है। जो भी लोग आखिरी वक्त में उनके साथ मौजूद थे, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। साथ ही लोग सतीश कौशिक को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल तक ले गए थे, उन सभी को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा है। पुलिस के मुताबिक सतीश की मौत का समय, सतीश ने क्या खाया पिया था, ये सब पोस्टमार्टम होने के बाद ही साफ हो पाएगा। गौरतलब है कि सतीश कौशिक 7 मार्च को मुंबई में शबाना आजमी के घर होली पार्टी में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने अपने करीबियों संग खूब होली खेली थी। तो मुंबई में होली सेलिब्रेशन के बाद सतीश कौशिक होली खेलने के लिए गुड़गांव में एक फार्म हाउस गए हुए थे। बिजवासन के फार्म हाउस में होली खेलने के बाद रात 11 बजे करीब सतीश कौशिक की तबीयत खराब हुई थी। फार्म हाउस से लौटते वक्त कार में सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया और फिर उन्हें गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने देर रात में दम तोड़ दिया। बीती रात करीब 2:30 बजे गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में सतीश ने अपनी अंतिम सांस ली थी। बहरहाल सतीश कौशिक के निधन से उनके चाहने वाले इस समय शोक में डूबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।